हेलो एंड वेलकम टू ऑल सीरम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 131। हम इस बुक को पूरी कंप्लीट करेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल के अंदर जाके आप सारे चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको और अच्छे से मिल जाएगा। फ्रॉम यूनिट 1 to इसकी लास्ट यूनिट तक हम पढ़ेंगे अच्छे से, विद इन अ मिनट्स में कोशिश करूँगी आपको पूरी यूनिट समझ में आ जाए, ताकि जब इस क्वेश्चन लाइक इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आए तो यू विल डेफिनेटली क्लियर इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं, हम इसकी यूनिट 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इस बुक को अभी स्टार्ट ही करें। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये नाम है इसका, ठीक है। बीपीएससी 131 कोड है। तो हम इसकी यूनिट, इसमें टोटल हमारे 4 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 4 यूनिट होती है। जैसे ब्लॉक 1 में 2 यूनिट्स हैं, ब्लॉक 2 में 3, 4, 5, 6 नहीं 4 यूनिट है, और ऐसे ब्लॉक 3 में 4 यूनिट है और ब्लॉक 4 में भी 4 यूनिट है, बट इसकी ब्लॉक 1 में 2 यूनिट्स है। जो यूजली इग्नू की बाकी चैप्टर्स में ब्लॉक 1 में भी 4 यूनिट होती है, तो ये अच्छी बात है, थोड़े हमें कम यूनिट पढ़ने को मिलेगी। 16 यूनिट्स होती है बट इसमें 14 ही है। हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की। मेक श्योर आप वीडियोस को सारी देख लो ताकि आपको पूरी चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और मतलब पूरा बुक ही समझ में आ जाए। ये काफ़ी, इसके मैंने क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं, थोड़ा टफ सब्जेक्ट तो है, मतलब इसके क्वेश्चन पेपर बहुत ही ऐसे टफ आते हैं, बट कोई नहीं, आप इसको पढ़ लोगे एक बार चैप्टर को, पूरी बुक को समझ लोगे ना तो अच्छे से। जब हम यूनिट 1 पढ़ते हैं, विच इज़ वॉट इज़ पॉलिटिक्स, ठीक है, वॉट इज़ पॉलिटिक्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं बड़ी 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बना दो वो देखते रहे, नहीं। इसलिए मैं छोटी, जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं उतनी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो इसलिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आपको इसकी गाइड चाहिए, क्योंकि गाइड से पढ़ोगे ना तो ईजी रहता है, तो आपको इसकी गाइड चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो ओरिजिनल गाइड्स के लिए। वरना यूजुअली स्टूडेंट्स जो गाइड खरीदते हैं वो फेक निकलती है, मतलब उसमें गलत आंसर लिखे होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पढ़ते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट कर लेना, मैं हम कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दें। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, हिंदी में चाहिए, ये हिंदी में भी आता है, तो अगर कोई हिंदी स्टूडेंट है तो मुझे बता सकता है, तो मैं हिंदी में भी मतलब हिंदी वाला भी समझा दूँगी। वैसे तो आप ये भी देख सकते हो, सेम ही है दोनों चीज़ में, मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, इंग्लिश का वो सब, बट ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जो भी क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी डाउट हो, और अगर आपको अप्रिसिएशन करना हो, वीडियो अच्छी लगी जैसी भी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताना। लेट्स स्टार्टेड। सो इट्स यूनिट 1, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है कि कैसा, मतलब क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो क्या हो गई, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है, द मेन ऑब्जेक्शन ऑफ लाइक द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल, द एसेंस ऑफ पॉलिटिकल इज द क्वेस्ट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट एन ऑर्डर दैट मैन कंसिडर गुड। तो मतलब इसमें यही है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन मतलब यही कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, विच इज़ लाइक हमें यही मिलेगा, वो हमें उसके चैप्टर नेम से ही पता चल रहा है कि हमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना मिलेगा। तो द टर्म पॉलिटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस मीनिंग बोथ सिटी एंड स्टेट। तो जो पॉलिटिक्स वर्ड है, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आई है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है अगर आप ऐसा लिखोगे, और जब क्वेश्चन लाइक एग्जामिनर जो चेक करेगा ना आपका आंसर, तो उसको पता चलेगा, हाँ स्टूडेंट को पता था, मतलब उसको पता है, उसको नॉलेज है। तो ये चीज़ याद कर लो कि जो पॉलिटिक्स, ये तो आपको पॉलिटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो ये लाइन तो आप वहाँ लिख ही सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब स्टार्ट करोगे, द टर्म पॉलिटिक्स इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, अगर आप अभी एक कंफर्टेबल प्लेस पे हो और आपके पास नोटबुक है तो मेक श्योर इसको नोट डाउन करो तो याद हो जाएगा। अगर नहीं हो अभी कंफर्टेबल प्लेस पे तो अपने दिमाग में इसको रिमाइंड रखना, ठीक है, या फिर अपनी बुक और अगर गाइड जिससे भी आप पढ़ लो उसको, उसमें इसे हाईलाइट कर लेना। द टर्म पॉलिटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस मीनिंग बोथ सिटी एंड स्टेट, कि ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है सिटी एंड स्टेट, मतलब दोनों मीनिंग होता है ये पॉलिस वर्ड का, ठीक है। पॉलिटिक्स अमंग द एशियन ग्रीक वॉज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड अबव ऑल बींग रिलेटेड टू वंस फेलो। पॉलिटिक्स जो एशियंट में, मतलब उनके वहाँ पे मानते थे कि एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग है, और इन सबसे ऊपर मतलब एक बींग रिलेटेड टू वंस फेलो, मतलब एक दूसरे से जुड़ने की वो है, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। एज सिटीजन्स दे ऑल वर इक्वल, ऑल द सिटीजन्स वेरीड इन पोजिशन इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ इंटेलिजेंस एक्सेट्रा।
ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा उनको मानना है कि सब सिटीजन सेम है, ऑल्दो मतलब सब अलग अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और इंटेलिजेंस। मतलब हर कोई अलग अलग लेवल का इंटेलिजेंट होता है, हर किसी के पास अलग अलग वेल्थ होती है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन ओवरऑल हर सिटीजन को इक्वल माना जाता है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल विच मेक्स द सिटीजन्स रैशनल। ओके, रैशनल मीन्स यही कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का, जो सिटीजन्स को रैशनल मतलब प्रैक्टिकल बनाता है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज द एक्टिविटीज स्पेसिफिक टू दिस न्यू थिंग कॉल्ड अ सिटीजन। अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बिकॉज पॉलिटिक्स इटसेल्फ फॉलोज रेगुलर पैटर्न्स, इवन दो इट इज़ अ मर्सी ऑफ ह्यूमन नेचर फ्रॉम इट फ्रॉम विच इट्स अराइज। मीन्स इसका मीनिंग होता है कि पॉलिटिक्स इज एक्टिविटी स्पेसिफिक टू दिस न्यू थिंग कॉल्ड सिटीजन। अ साइंस ऑफ पॉलिटिकल इज पॉसिबल, मतलब साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बिकॉज पॉलिटिक्स इट्सेल्फ फॉलो रेगुलर पैटर्न्स, क्योंकि पॉलिटिक्स खुद एक रेगुलर पैटर्न्स को फॉलो करती है, इवन दो इट इज़ एट अ मर्सी ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि ह्यूमन नेचर के मर्सी मतलब दया, मतलब वैसा कि ह्यूमन नेचर को देख के भी बनती है ये। ठीक है, ग्रीक पॉलिटिकल स्टडी डील्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड जनरलाइजेशन अबाउट द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो ग्रीक पॉलिटिकल है, उन्होंने बहुत स्टडी करी इस चीज़ पे कि कैसे आप एक मतलब एक ह्यूमन नेचर और पॉलिटिकल ये सब चीज़ों में कैसे कनेक्ट कर सकते हो उन सबको, रिलेशन को। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन, ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा था चैप्टर का, आपको ये याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लेना। द टर्म पॉलिटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ओके, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी इज द डिस्कोर्स एंड द स्ट्रगल ओवर ऑर्गेनाइजेशन of human possibilities. As such, it is about power, that is to say it is about the capacity of social agents, agency and institution to maintain or transform the environment social and physically. ठीक है, means politics क्या है, मतलब politics is like ये एक तरह से एक ऐसी practice है, एक ऐसा मतलब एक ऐसी activity है जो human possibilities के मतलब जो हो सकती है इंसानों में, विच इज़ लाइक इट इज़ अबाउट पावर, जो आपको एक कैपेसिटी देती है लाइक सोशल एजेंट्स, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन, इन सबको मेंटेन करने की और उधर का जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करने की एक सोशल और फिजिकल लेवल पे। मतलब पॉलिटिक्स इज अ पावर। ओके, ओवरऑल इसका एक वन वर्ड में यही आएगा, इट इज़ अबाउट द रिसोर्स विच अंडरपिन दिस कैपेसिटी एंड अबाउट द फोर्सेज दैट शेप एंड इन्फ्लुएंस इट्स एक्सरसाइज। Accordingly, politics is a phenomenon found in all groups, institutions and societies cutting across private and public life. मतलब कि politics हर जगह होती है, हर जगह मिल जाएगी आपको politics. It's something आप कहीं भी देख सकते हो, societies में, अपनी private और public life में आपको politics दिखेगी ही दिखेगी. It is expressed in all relations, institutions and structures that are implicated in the production and reproduction of the life of societies. हर जगह होती है, हर जगह एक्सप्रेस होती है पॉलिटिक्स, हर जगह। जैसे बोलते हैं ना, लाइक फ्रेज हो जाता है कि भाई ऑफिस पॉलिटिक्स, यहाँ की पॉलिटिक्स, एजुकेशन पॉलिटिक्स, समथिंग पॉलिटिक्स इज़ लाइक एक दूसरे से कनेक्ट होके किसी चीज़ को मैनेज करना। मतलब पॉलिटिक्स क्या होता है, आप किसी से टीम अप करके उस एनवायरनमेंट को अपने हाथ में लेना चाहते हो, उसको हैंडल करना चाहते हो। पॉलिटिक्स लाइक जैसे मैंने किसी के साथ टीम अप किया और अब मैं एक लाइक एक एजुकेशन या फिर हम कोई प्लेस ले ले, कोई सोसाइटी, वहाँ पे थोड़ा सा अपना रूल करना है, ऐसा टाइप का। जैसे होता है ना हमारे सोसाइटीज़ में होता है वेलफेयर जो होते हैं, सब आपस में कितना कनेक्ट होके वो एक पॉलिटिक्स हो जाते हैं वहाँ पे। इट्स मेनली लाइक पावर, कुछ लोग आपस में मिलके जो उस अपने एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, सिंपली लाइक दैट। ठीक है, ये आप बहुत ईजी है, मतलब अगर आप यू नो इफ़ यू थिंक अबाउट इन अनदर वे तो लगेगा भाई बहुत टफ है, कि कितना टफ है, क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना सब यूनिट तो आपको सब क्लियर आउट हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा कि हाँ लिख लूँगा मैं कुछ भी या लिख लूँगी। तो हम तो इट्स लाइक अभी नेक्स्ट पे चढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जल्दी पढ़ना है। तो इट्स लाइक पॉलिटिक्स डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली। ठीक है, इसने हमें आइडिया हेडिंग ही बता देते हैं कि हाँ भाई उसको डिफाइन करना बहुत मतलब थोड़ा टफ तो है। आप A crisp definition of politics, one that fits just those things we instinctively call political, is possible.
अक्रिस्प डेफिनेशन, मतलब एक अक्रिस्प डेफिनेशन मतलब एक करारी डेफिनेशन, एक यू नो आप इसको अपने लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, अक्रिस्प डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग। अगर आप ऐसे अपने फ्रेंड्स में बात करते हो इंग्लिश भी सीख जाओगे, मतलब वो पढ़ने की बात है, आप उस वे में भी इसको पढ़ सकते हो मन से। पॉलिटिक्स इज़ अ टर्म विथ वेरीड यूजेज ऑफ नॉनसेंस, परहैप्स द नियरेस्ट वी कैन कम अप टू कैप्सूल स्टेटमेंट इज दिस। मतलब इसमें लिखा है कि पॉलिटिक्स इतनी वो है, इतने वेरीड यूजेज है इसके, इतनी चीज़ें हैं कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते परहैप्स, लेकिन फिर भी वी ट्राई नियरेस्ट, हम कोशिश करते हैं कि हम एक कैप्सूल स्टेटमेंट, मतलब एक एक यू नो एक ऐसे स्टेटमेंट पे बता सके पॉलिटिक्स क्या है। एक कैप्सूल स्टेटमेंट मतलब होता है इट्स लाइक अ फ्रेज सेइंग कि हम एक हर बातों को मिला के ओवरऑल, मतलब मोटा मोटी ऐसा बोलते हैं ना, मोटा मोटी ये बात है, ऐसे वाली बात कि मोटा मोटी पॉलिटिक्स क्या है, वो ये बताते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द एक्टिविटी बाय विच ग्रुप रीच बिल्ड बाइंडिंग कलेक्टिव डिसीजन थ्रू अटेम्प्टिंग टू रिकनसाइल डिफरेंस अमंग देयर मेंबर्स, देयर आर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द डेफिनेशन। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज़ द एक्टिविटी, पॉलिटिक्स ऐसी एक्टिविटी है बाय विच ग्रुप्स जो ग्रुप्स एक दूसरे से बाइंडिंगली कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं थ्रू अटेम्प्टिंग टू रिकनसाइल डिफरेंसेस अमंग देयर मेंबर्स। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, पॉलिटिक्स इज़ अ कलेक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्विंग पीपल हु एक्सेप्ट अ कॉमन मेंबरशिप और एटलीस्ट एक्नॉलेज अ शेयर्ड फेट। थस रॉबिन्सन क्रूसो कुड नॉट प्रैक्टिस पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो रॉबिन्सन क्रूसो, उन्होंने भी पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस नहीं करा था। पॉलिटिक्स अ कलेक्टिवली एक्टिविटी इन्वॉल्विंग पीपल हु एक्सेप्ट अ कॉमन मेंबरशिप और एटलीस्ट नॉलेज एज शेयर फेट। मीन्स पॉलिटिक्स क्या है, एक कलेक्टिव एक्टिविटी है। मैंने आपको बोला पॉलिटिक्स इज़ लाइक एक कलेक्टिव एक्टिविटी, एक ऐसी चीज़ जो वो लोगों को कनेक्ट करती है जिनके कॉमन थाट्स हैं, कॉमन मेंबरशिप है, जो कॉमनली सोचते हैं, जिनकी जो एक दूसरे को फेट करते हैं। जैसे आप बोलो, जैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स में किसी ने टीम अप कर लिया, क्यों कर लिया, बिकॉज उनकी थिंकिंग एक थी, उन लोगों का गोल एक है, उनको चाहिए एक चीज़ पर भरोसा है। ऐसे वेयर वी ऑल एग्री ऑल द टाइम पॉलिटिक्स वुड बी रिडंडेंट। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स रिकनसाइलिंग सच डिफरेंसेस थ्रू डिस्कशन एंड पर्सुएशन, कम्युनिकेशन इज देयरफॉर सेंट्रल टू पॉलिटिक्स। कम्युनिकेशन तो मेन चीज़ है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल डिसीजन बिकम ऑथोरेटिव पॉलिसीज फॉर अ ग्रुप बाइंडिंग मेंबर्स टू डिसीजन दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाई फोर्स इफ नेसेसरी। ओके, पॉलिटिक्स बहुत पॉलिटिक्स हो गया ये तो, बट अब ये पढ़ना तो पड़ेगा, ये चैप्टर तो है ही। पॉलिटिक्स एन इनएस्केपेबल फीचर ऑफ ह्यूमन कंडीशन, मतलब कि पॉलिटिक्स एक इनएस्केपेबल, मतलब ना बचने वाला एक ऐसी ह्यूमन कंडीशन है, आप उससे बच ही नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होती ही हर जगह। ठीक है, सो ऑल दो द टर्म पॉलिटिक्स इज ऑफन यूज बाय काइनिकली टू क्रिटिसाइज द परस्यूट ऑफ प्राइवेट एडवांटेज अंडर द गूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स इज इन फैक्ट एन इनएस्केपेबल फीचर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन इन डीड। मीन्स जैसे कि पॉलिटिक्स एक टर्म है, एक ऐसी मतलब एक इसको ऐसा बताते हैं, सिटीजन द परस्यूट ऑफ प्राइवेट एडवांटेज अंडर द गूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ऐसा बोलते हैं कि पब्लिक लाइक पॉलिटिक्स से सिर्फ उन लोग लाइक पब्लिक को फ़ायदा नहीं होता, जो चीज़ पॉलिटिक्स से सिर्फ खुद को फ़ायदा होता है, ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं बोल बोल के। तो विच इज़, और ये जो लाइन है दैट पॉलिटिक्स इज़ इन फैक्ट, मतलब ये एक तथ्य है कि पॉलिटिक्स एक इनएस्केपेबल मतलब ना बचने वाला फीचर है ह्यूमन कंडीशन का, विच इज़ इनडीड, यानी हाँ सच है वो। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, जो ग्रीक फिलोसोफर है एरिस्टोटल, उन्होंने आर्ग्यू करा है कि मैन बाय नेचर, मतलब अब उसका पॉलिटिकल एनिमल ही है वो। बाय दिस ही मैंट नॉट जस्ट दैट पॉलिटिक्स इज अनअवॉइडेबल बट रैदर दैट इट इज़ द एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें वो सिर्फ यही नहीं बोलना चाहते कि पॉलिटिक्स अनअवॉइडेबल है, वो ये भी कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स एक एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी ह्यूमन एक्टिविटी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट इज़ द फीचर वाइल मोस्ट शार्पली सेपरेट्स अस फ्रॉम अदर, मतलब पॉलिटिक्स की नॉलेज रखना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फीचर है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, हमें और लाइक इंटेलिजेंट ऐसे दिखाता है। फॉर एरिस्टोटल
पीपल कैन ओनली एक्सप्रेस देयर ट्रू नेचर एज रीजनिंग वर्चूज बींग थ्रू पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। एरिस्टोटल का कहना है, उनके कहना ऐसा है कि पीपल कैन ओनली एक्सप्रेस, वो सिर्फ अपने जो ट्रू नेचर है, जो उसकी चीज़ें हैं, जो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेट करके ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप रेयरली एग्री एटलीस्ट इनिशियली ऑन व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू फॉलो। इवन इफ देयर इज एग्रीमेंट ओवर गोल्स, देयर मे स्टिल बी अ सर्कमश ओवर मीन्स। मतलब कि जो उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो हाँ रेयरली एग्री होंगे सबके सब, लेकिन एटलीस्ट इन स्टार्टिंग इनिशियली आप कम से कम, आपको ये तो पता है क्या एक्शन टू फॉलो करना है। इवन इफ देयर इज एग्रीमेंट ओवर गोल्स, मतलब अगर आपकी गोल्स के लिए भी एग्रीमेंट है, स्टिल वो लोग यू नो एग्री नहीं होते हैं। ऐसा होता है ना कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि वो एग्री करते हैं जो गोल है उस चीज़ को पाने का, कि हाँ ठीक है ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जो उसका तरीका है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। थर्स, पॉलिटिक्स कंसिस्ट इन प्रोसीजर्स फॉर अलाउइंग अ रेंज ऑफ व्यूज टू बी एक्सप्रेस देन कंबाइन इन टू एन ओवरऑल डिसीजन एज शिवली पॉइंट्स आउट। पॉलिटिकल एक्शन में बी इंटरप्टेड एज अ वे टू वर्क आउट रैशनली द बेस्ट कॉमन सोल्यूशन टू अ कॉमन प्रॉब्लम और एटलीस्ट अ वे टू वर्क आउट रीजनेबल कॉमन सोल्यूशन, दैट इज पॉलिटिक्स कंसिस्ट ऑफ पब्लिक चॉइस। ओके, हमने इसको समझ लिया। पॉलिटिक्स बहुत हो गया, बट वो है कि हमें पढ़ना है चैप्टर। मेन इसमें यही है कि क्या है पॉलिटिक्स, कुछ नहीं है, लोगों का ग्रुप है, ये बना लो वो बना लो। एवरीबडी हैज़ सम आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ टर्म पॉलिटिक्स, ठीक है, सबको आइडिया लग गया होगा पॉलिटिक्स क्या है। टू सम पीपल द क्वेश्चन में इवन अपेयर क्वाइट सुपरफ्लूस, पॉलिटिक्स इज़ व्हाट वन रीड अबाउट इन द पेपर और वॉचेज ऑन टेलीविजन। मतलब कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि पॉलिटिक्स क्या है, वो जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या वो जो हम टीवी पे देखते हैं, क्या वो सब पॉलिटिक्स है। इट डील्स विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द पॉलिटिशियन, नोटेबली द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब वही पॉलिटिक्स हो रहा है, उसकी बात हो रही है कि जो पॉलिटिक्स लाइक जो पॉलिटिकल पार्टीज लीड करती हैं, उनके पॉलिटिशियन लीड करते हैं। वॉट इज़ पॉलिटिक्स ऑल अबाउट, पॉलिटिक्स है क्या, मतलब किस बारे में है ये सब। Why precisely are these activities political and what defines the nature of politics? If one starts with the definition couched in terms of the activities of politician, one might say that politics concern the rivalries over politicians in the struggle for power. अगर हम एक टर्म्स में पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये भी है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, मतलब जो नेता लोग होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं अपनी पावर बनाने के लिए। ऐसा हम इसको डिफाइन एक If we one start with a definition couched in term of activity, मतलब अगर हम एक एक्टिविटी के टर्म में उसको डिफाइन करें तो जो नेता जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जो आपस में लड़ते हैं अपनी पावर को बचाने के लिए। दिस वुड सर्टनली बी अ काइंड ऑफ डेफिनेशन विथ विच मोस्ट पीपल वुड एग्री। मतलब एक तरह से ये डेफिनेशन है जिससे बहुत लोग एग्री करेंगे कि हाँ यही होती है पॉलिटिक्स, जिसमें नेता लोग लड़ते हैं और अपनी पावर को बचाते हैं, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। बहुत लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, राइट? हाँ, अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि पॉलिटिक्स वही होती है। देर इज़ लाइक पॉलिटिक्स कंसर्न द ट्रैवलिंग ऑफ पॉलिटिशियन द स्ट्रगल फॉर पावर। दिस वुड सर्टनली टू बी काइंड ऑफ डेफिनेशन विथ विच मोस्ट पीपल वुड एग्री, बट पावर इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड, इट इज़ एम्बॉडीड इन ह्यूमन बींग्स। पावर इज़ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग वेयर अ पर्सन कैन इम्पोज हिज विल ऑन अदर पर्सन्स। पावर क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा, मतलब पावर वो चीज़ होती है कि एक इंसान अपनी विलिंग जो उसको वो चाहता है वो दूसरे इंसान पे इम्पोज कर सकता है, मतलब उस चीज़ पे लगा सकते हैं, वो चीज़ उस पर अलाउ कर सकते हैं। मेकिंग देम ओबे वेदर दे वॉन्ट और नॉट, क्या होता है पावर, वही ना कि हम किसी सामने वाले को कुछ चीज़, जैसे हमारे डैड के हाथ में पावर होती है, हमारे पापा के लोगों के हाथ में पावर होती है, हमें पसंद हो चाहे ना हो, वेदर वी लाइक यहाँ पर जैसे लिखा है वेदर दे वॉन्ट और नॉट, वेदर वी वॉन्ट और नॉट, स्टिल हमारे पापा लोग जो कहते हैं हमें मानना पड़ता है बिकॉज उनके पास पावर है। ऐसे ही हमारे जो मम्मी कहते हैं हमें मानना पड़ता है भले हम चाहे ना चाहे, दिस इज़ कॉल्ड पावर। ये पॉलिटिक्स की भी पावर है, यही पावर को पाने के लिए वो पॉलिटिकल के जो नेता हैं वो लड़ते हैं, ठीक है। कितना सिंपल है, इतना सिंपली अभी आपको ऑलवेज याद भी रहेगा, ठीक है। आप ये सब वहाँ लिख के आओगे ना तो
उनको भी लगेगा कि हाँ भाई किस ये बच्चे को आता है। तो और ऐसे उस वो पॉलिटिक्स भी होती है, मतलब पॉलिटिक्स ही भी होती है कि भाई मैन और वुमेन कौन आएगा, उसमें भी होता है मैन को ज़्यादा मिलता है पॉलिटिशियन में, औरतों को कम माना जाता है, वो भी इसमें भी आगे चल के आएगा चैप्टर। सो व्हाट इज स्टेट? अब स्टेट क्या होता है, एवरी वन नो स्टेट तो सिटी, वो उसी की चीज़ को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को इतना एक्सप्लेन कर रहा है कि बच्चे पढ़ते ही रह जाए बस, वरना इसमें कुछ इतना है भी नहीं। स्टेट डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कॉन्टेक्स्ट, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट, बट वेर एवर लाइक बट वट एवर फॉर्म वन हैज़ इन माइंड, द स्टेट एज सच इज़ नॉट अ मोनो मोनोलिथिकल ब्लॉक। टू स्टार्ट विद द स्टेट इज़ नॉट द सेम एज द गवर्नमेंट, इट इज़ रेदर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ विच द गवर्नमेंट इज़ ओनली वन इन अ वेस्टर्न टाइप लिबरल डेमोक्रेटिक। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि स्टेट क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसे होता है ना, जैसे बाहर के देशों में क्या होता है, इन आउटर वर्ल्ड, इंडिया में नहीं, बाहर जो लेस डेमोक्रेटिक होती हैं उनमें ऐसा होता है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब रूल करती है सारे स्टेट के भी। वहाँ पे हमारे हमें इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए हम बहुत ही डेमोक्रेटली बहुत एक्सपेंडेड है हमारे इंडिया, दैट्स वाई। तो ये वही, ये पूरे में वही एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इंडिया में हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, बाहर के देशों में नहीं होता ऐसा। तो दैट इज अब राल्फ मिलबैंड्स व्यू ऑन स्टेट, ये आ सकते हैं क्वेश्चन कि राल्फ मिलबैंड्स का व्यू क्या है स्टेट पे, या इसका इनका नाम तो आ ही सकता है, मतलब ऐसे काफ़ी लोगों के नाम आते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर जब इसका चेकआउट किया था, जब बच्चों को पढ़ाया था, तो उसमें बहुत लोगों के नाम थे। हम इसका क्वेश्चन पेपर भी लाएंगे सॉल्व, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहोगे, सब भी करना है, बहुत जल्दी जल्दी करना है, एग्ज़ाम भी हमारे पास है तो पढ़ना ही पड़ेगा। इन हिज बुक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोसाइटी, ओ माई गॉड, सोसाइटी, हाँ सोसाइटी, राल्फ मिलबैंड रजिस्टर्ड दोज डिफरेंट एलिमेंट्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, द फर्स्ट बट बाय नो मीन्स द ओनली एलिमेंट ऑफ द स्टेट अपैरेटस इज़ द गवर्नमेंट, द सेकेंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट, द सिविल सर्विस और द ब्यूरोसी। तो जो उनकी बुक है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसमें वो कहते हैं कि विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, जो टुगेदर स्टेट को चलाते हैं, द फर्स्ट बाय नो मीन्स द फर्स्ट गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट जो वहाँ की सिविल सर्विस है, वहाँ की ब्यूरोसी, वो चलाती है, ऐसा उनका कहना है। किसका कहना है? द मिली बैंड्स व्यू है ये, राल्फ मिली बैंड्स का व्यू। सेकेंड थे हम कहाँ पे, हाँ, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज इन लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम सपोज टू बी न्यूट्रल, कैरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर इन पावर। इन लोगों को सिर्फ जो पॉलिटिक्स में, जो पावर में है, उनकी बात माननी होती है बस, ये लोग और कुछ नहीं कर पाते हैं। वही चीज़ के बारे में नॉर्मल जो इंडिया में चलता है वही सब पॉलिटिक्स है ये। इनफैक्ट हाउ एवर द ब्यूरोसीज मेन वेल हैव इट्स ओन अथॉरिटी एंड डिस्पोज ऑफ इट्स ओन पावर। थर्ड इन मिलबैंड्स लिस्ट कम द मिलिट्री एंड द पुलिस, द ऑर्डर मेंटेनिंग और द रिप्रेसिव आर्म ऑफ द स्टेट, फोर्थ जुडिशरी, ठीक है, थर्ड जो होता है, फर्स्ट कौन होती है, गवर्नमेंट होती है, सेकंड होती है जो वहाँ की पावर सिविल सर्विस ब्यूरोसीज होती हैं, थर्ड कौन होती है, थर्ड होती है जैसे पुलिस और मिलिट्री हो गई, फोर्थ हो जाती है जुडिशरी, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे ये सब पावर उसको हैंडल करती है, ऐसा राल्फ मिलिबैंड्स व्यू कहते हैं कि स्टेट पे क्या है कि स्टेट को ये सब चीज़ें, फोर्थ उसको ये चीज़ें हैंडल करती है। फिफ्थ एलिमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो वहाँ का फेडरल सिस्टम है, वो करता है स्टेट को हैंडल, ऐसे उन्होंने बता रखा है। सिक्स एंड फाइनली क्या है, वन कैन ऐड टू द लिस्ट रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट इन द ब्रिटिश सिस्टम, पार्लियामेंट और ये सब चीज़ें उसको कहते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश सिस्टम है, जो तुम्हारे यहाँ पे भी चलता है पार्लियामेंट, वो सब पढ़ लिया हमने। क्या था पूरा मिलन, उनका व्यू क्या है, उनका व्यू उन्होंने सिक्स अपने वो बता रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें, अपना वो बता रखा है छह चीज़ें कि हाँ भाई क्या एक स्टेट को कंट्रोल करते हैं, तो वो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, आपने अच्छे से देख लो, समझ लो, हमें जल्दी जल्दी सारे चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, इसमें तो इतना अच्छे से मुझे लगता है मैंने उतना कंसाइजली एक्सप्लेन नहीं करा है, तो कोई नहीं, बट नेक्स्ट मैं आपको अच्छे से करूँगी। इसमें मेन सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है,
इतना कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर यह है भी नहीं, क्योंकि बस मेन पॉलिटिक्स का ही क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो हमने पढ़ लिया है, क्या चीज़ है आपको लिख देना है वो। ऊपर मैंने आपको जो फर्स्ट में लाइन पढ़ाई थी, पॉलिटिक्स इन टर्म्स कहाँ से आया, वो ग्रीक वर्ड है, पावर होता है, नेता लोग लड़ते हैं अपनी पावर के लिए, पॉलिटिक्स इज़ लाइक सबका गोल एक है लेकिन सबको मनाना, वो सब चीज़ें, वेरियस फॉर्म ऑफ स्टेट। यहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ स्टेट आ गए, कुछ मॉडर्न स्टेट होते हैं, कुछ यू नो रूरल स्टेट एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स। हमारा चैप्टर है नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, और द पॉइंट ब्रिंग्स अस बैक टू वेबर एंड हिज ऑलरेडी कोटेड लेक्चर, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। आफ्टर आर्ग्यूइंग दैट पॉलिटिक्स इज कंसर्न अब ऑल विद द सेंट्रल पॉलिटिकल एसोसिएशन द स्टेट, वेबर कंटिन्यूड बाय मेंटेनिंग दैट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कुड नॉट बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द टास्क विच इट अंडरटेक्स और द एंडेड परस्यूज। There was no task which specifically determined the state, therefore one had to define the state in terms of the specific means which it employed, and these means were unlimitedly physical force. Webinar wrote, a human community that successfully claimed that monopoly of the legitimate use of physical force within the given territory. मतलब जो उनके नेता लोग और ये सब जो पावर से यूज़ करते हैं वो वही है जो स्टेट को चलाता है। पॉलिटिक्स इज लाइक इज अ वोकेशन, एज अ वोकेशन जो बताते हैं वेबिनार कि कैसे सब लोग उसको यू नो एक 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 किसी बंदे के कहने पे चलती है चीज़ें वो सब ऐसा। द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर, पावर का लेजिटिमेट यूज़ क्या हो सकता है वो है यहाँ पे वो। बट द पॉइंट इज़ दैट ऑल्दो द स्टेट डिपेंड्स ऑन फोर्स, स्टेट डिपेंड फोर्स पे डिपेंड करते हैं, इट डजंट लाइक इट डज नॉट रेस्ट ऑन फोर्स अलोन, सिर्फ खाली फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। हेयर आर नोशन ऑफ लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर कम्स इन, पावर इन जनरल एंड सो पावर ऑफ द स्टेट। मतलब जो स्टेट है वो सिर्फ एक उस पर लाइक फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, मल्टीपल पावर्स जो होती है उसी के बारे में कि कितने कितने पावर्स पे क्या क्या चीज़ें हैंडल होती है। मार्क्स वेबिनर ऑन लेजिटिमेशन, अब उन्होंने लेजिटिमेशन पे क्या कहा उस बारे में यही पूरा। अकॉर्डिंग टू वेबर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमेशन, अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से थ्री टाइप ऑफ लेजिटिमेशन है, याद कर लो आप इसे, थ्री मेथड्स बाय विच द वील्डिंग ऑफ पावर कैन बी जस्टिफाइड, जिससे हम इस पावर को जस्टिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप क्या होता है, पर्टेंस टू ट्रेडिशनल डोमिनेशन, पर्टेंस टू ट्रेडिशनल डोमिनेशन फर्स्ट पावर उनकी है ऐसा उनका कहना है। थ्री टाइप्स ऑफ पावर जिसमें जो बताते हैं फर्स्ट ही है, देयर पावर इज जस्टिफाइड बिकॉज द होल्डर्स ऑफ पावर कैन अपील टू ट्रेडिशन द हैबिट, जिन्होंने पावर को होल्ड कर रहे हैं होल्डर्स ऑफ पावर कैन अपील टू ट्रेडिशन द हैबिट, अथॉरिटी हैज़ ऑलवेज बीन वेस्टेड इन दैम पर्सनली और इन देयर फैमिलीज। ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ पावर होती है करिज्मेटिक लेजिटिमेशन, पीपल ओबे द पावर होल्डर बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज डिस्प्ले बाय द लीडर। मतलब कि जो उस लीडर ने कहा हमने मान लिया, वो एक करिज्मेटिक लेजिटिमेशन। मतलब भाई पॉलिटिक्स मतलब इतना हम उस लीडर के लिए डिवोटेड है, जैसे आप जानते हैं नाउ डेज एक ही लीडर है जिसके लिए सब बहुत डिवोटेड है कि मतलब हमें लगता है कि वो इतना महान इंसान है पॉलिटिक्स या किसी भी उसमें जाए कि भाई इसने जो कह दिया जैसे हम मान लेते हैं सबकी पर्सनल चॉइसेस है, हर कोई अपने अपने हिसाब से हर किसी को कोई नेता पसंद होता है। ठीक है, जैसे किसी को हम मैं नाम नहीं लूँगी, सबको पता है किसी को कोई पसंद है किसी को कोई, तो जब वो नेता कुछ चीज़ कहता है ना तो हमें लगता है कि हाँ वो इतना अच्छा है, वो इतनी अच्छी पोजीशन पे, इतना समझदार है, उसने कहा है तो बात सही होगी, ऐसे वो पॉइंट पे चले जाते हैं। तो उसको कहते हैं करिज्मेटिक लेजिटिमेशन। हमारी फर्स्ट क्या थी, पैटर्न्स टू ट्रेडिशनल डोमिनेशन, सेकेंड है हमारी करिज्मेटिक लेजिटिमेशन, और थर्ड जो उन्होंने बताया है फाइनल थर्ड टाइप ऑफ लीगल रैशनल काइंड, पीपल ओबे सर्टन पर्सन हु आर ऑथराइज बाय स्पेसिफिक रूल्स टू कमांड इन स्ट्रिक्टली डिफाइंड सफेज ऑफ एक्शन। मतलब थर्ड लोग उन पे बिलीव करते हैं जो एक स्पेसिफिकली ऑथराइज एक ऐसी कमांड उनको एक इतना उससे आते हैं कि हाँ भाई ये उधर से ऐसे आया है तो ये अच्छी बात ही करेगा। ऊपर क्या था, लोग अपने ट्रेडिशन पर चले जाते हैं कि भाई ये इस ट्रेडिशन मतलब इसका है उसका है ऐसे टाइप में। ठीक है, वेबिनार सेज डोमिनेशन एंड एक्सरसाइज बाय द मॉडर्न सर्वेंट ऑफ द स्टेट एंड बाय ऑल दोज बेरर ऑफ पावर हु इन द रिस्पेक्ट रिसेंबल हिम, इट इज़ ऑब्वियस दैट द पावर होल्डर्स इन एनी सिस्टम विल विश टू हैव देयर पावर एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी पावर में वो ये चाहता है कि उसकी पावर को सब एक्सेप्ट करें, जो उसने कहा सब माने।
वही सब बारे में है ये। नाउ क्या था ये चैप्टर, मैक्स वेबर ऑन लेजिटिमेशन, उनका क्या कहना था, उनके तीन टाइप उन्होंने बता रखे हैं पावर के, हमने पढ़ लिए वो तीनों टाइप। ठीक है, करिज्मेटिक हमारा सेकंड था, फर्स्ट हमारा था ट्रेडिशनल डोमिनेशन, पर्टेंस डेडिशन, और हमारा थर्ड उन्होंने जो बताया है वो आप कमेंट करके बताओगे ताकि पता चले कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब हमारा लेजिटिमेशन सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या क्या है, क्या कंसर्न है पॉलिटिकल साइंस का, सेंट्रल कंसर्न क्या है, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं उस बारे में, प्रोसेस ऑफ डी लेजिटिमेशन की प्रोसेस क्या है। दिस एक्सप्लेन्स वाई आर रेवोल्यूशन इज ऑफन प्रोसीड बाय अ पीरियड व्हेन द डोमिनेटिंग आइडियाज ऑफ द सिस्टम आर सब्जेक्टेड टू सस्टेन क्रिटिज्म, वन में कॉल दिस अ प्रोसेस ऑफ डी लेजिटिमेशन। मतलब दिस एक्सप्लेन वाई रेवोल्यूशन इज ऑफन प्रोसेस बाय अ पीरियड व्हेन द डोमिनेटिंग आइडियाज ऑफ द सिस्टम आर सब्जेक्टेड टू सस्टेन क्रिटिज्म। मतलब कि जो एक कोई भी किसी ने आइडिया बनाया, किसी सिस्टम ने कुछ बनाया है रेवोल्यूशन लाने के लिए, कोई चीज़ बनाई है, लेकिन उसको क्रिटिसिज्म लेना पड़ रहा है सबके थ्रू, तो जब फिर वो उस चीज़ को वापस से डाउन करते हैं कि ठीक है, मतलब मान लो किसी पॉलिटिक्स कोई इंडिया में कोई रूल बना है पर लोग उसके अगेंस्ट चले गए हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसको बैक कर लिया, तो उसको बोलते हैं डीलेजिटिमेशन, वन में दिस कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन। ठीक है, जहाँ पे आपने जो बनाया है विच जस्टिफाई द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पावर कम अंडर अटैक, जो हमारी जो पावर जो स्ट्रक्चर था वो अंडर अटैक आ गया, इसलिए अब उसको हम और नहीं रख सकते, उसको गिराना पड़ रहा है, उसको डीलेजिटिमेशन कहते हैं। वही है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, मैनिपुलेटेड कंसेंट क्या है, ये सब चीज़ें समझा रखी है। फालतू फालतू पर्सनल ऑफ द स्टेट मशीन द एलाइट सम अप। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, फाइनली ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत पॉलिटिक्स था तो वो एक ही चीज़ को बहुत ही उसमें वे में एक्सपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने आपको ओवरऑल बता दिया था मेन में। नेक्स्ट वाले को हम और अच्छे से पढ़ेंगे, मेक श्योर आप वो ज़रूर देखो। इट मे बी कंसिडर्ड दैट अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। पॉलिटिक्स का मतलब समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ की नीड्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इट इज़ रिलेटेड विद द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगर आप ये समअप भी याद कर लोगे ना, आप इतना भी लिख के आओगे ना वहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। समअप भी पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समअप में एटलीस्ट सब कुछ हमें एक ब्रीफ वे में समझा दिया जाता है चैप्टर में क्या था। सो लेट जस्ट एंड दिस समअप हमारा, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर, पॉलिटिक्स गेम ऑफ पावर है, हम सब ने पढ़ाई है, पावर का खेल है सारा पॉलिटिक्स। वेरियस प्लेयर्स प्ले दिस गेम एट द सेम टाइम एंड कम्पीट विद ईच अदर। बहुत लोग इसको खेलते हैं एक टाइम पे और एक दूसरे से लड़ते हैं, कम्पीट विद ईच अदर। द स्टेट फॉर्म्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ होल दिस एक्टिविटीज इन द नेशनल अफेयर्स विद इन द स्टेट इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फाइनली में चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वाली भी ज़रूर देखो। इसको आपको जितना समझ आया, जितना हम इसको और अच्छे से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी लाएंगे, तो मेक श्योर जैसे जुड़े रहो। दैट इज़ इट फॉर टुडे, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर हमें इसे जल्दी कंप्लीट करना था, नेक्स्ट पे ध्यान देना था, तो हमने इसको इतना अच्छे से कर नहीं पाए, पर नेक्स्ट वाले पे हम इसको ज़रूर ध्यान देंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।